केंद्रीय ट्रेड यूनियन की देशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के आह्वान पर मंगलवार को धर्मशाला जिला मुख्यालय में सीटू के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विशाल रैली निकाली। कोतवाली बाजार से शुरू हुई रैली जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुई, जहां विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीटू के जिला वित्त सचिव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कटोच ने कहा कि आज एकत्रित हुई विभिन्न यूनियन केंद्र सरकार को ये चेतावनी देती हैं कि केंद्र सरकार ने अपना रवैया ना बदला तो आगामी लोकसभा चुनाव में मजदूर एकजुट होकर केंद्र सरकार व भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन मोदी सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज के प्रदर्शन में 9 केंद्रीय यूनियनें और 55 फेडरेशन भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें देश भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 9 ट्रेड यूनियन केंद्रीय यूनियन जो है उनके आह्वान पर ये दो दिन की हड़ताल है 8 और 9 जनवरी को। उसी के उपलक्ष्य में जो है हिमाचल में भी हड़ताल है और उसी को देखते हुए कांगड़ा जिला में भी सीटू से जुड़ी हुई जो यूनियन है, इसके अलावा बैंक है, बीमा है, SPMRA है, टांडा मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर हैं, बिजली परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर हैं, ये सारे आज दो दिन की हड़ताल पर हैं। और हम अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिनके लिए लंबे समय से हम लड़ते आ रहे हैं, उन मांगों को लेकर जो है आज वो दो दिन का हड़ताल है और एक दिन का धरना प्रदर्शन है। और इसी उपलक्ष्य में आज धर्मशाला में जो है तमाम यूनियन इकट्ठी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि ये हजारों की तादाद में मजदूर जो आए हैं, ये मोदी सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अगर उन्होंने अपना रवैया जो है वो नहीं बदला और हमारे बार बार कहने के बावजूद भी जो हमारी मांगों पर गौर नहीं की जा रही है, जिसमें प्रमुख मांग है हमारी कि सब सारे मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 हो, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का किया जाए, सारे स्कीम वर्कर पक्के किए जाएँ, इसके अलावा बैंकों का, बीमा का, रेलवे का और दूसरी तमाम जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र है जो मुनाफा दे रहे हैं उनका निजीकरण बंद किया जाए और खास करके रक्षा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरकार ने मंजूरी दे दी है उसको वापस लिया जाए। ये तमाम जो हमारी मांगें हैं, इन मांगों को लेकर आज का देश का जो मजदूर है, जो पिछली हमारी ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई थी उसमें 18 करोड़ मजदूरों ने हिस्सा लिया था और आज मैं समझता हूँ कि आज की इस हड़ताल में जो दो दिन की हड़ताल है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 9 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और 55 फेडरेशनों के आह्वान पर और हजारों ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर दो दिन की पहली बार ये हड़ताल की जा रही है और मैं समझता हूँ इसमें 20 से 25 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे। और ये जो मजदूरों का आंदोलन है ये मोदी सरकार के लिए आने वाले चुनाव में कफन में कील का काम करेगा।